नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बॉल ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए स्मूथ सर्कुलर ट्यूब। टॉप ऑफ, तो यहाँ से एक बॉल को छोड़ा जाता है नीचे की तरफ ट्यूब। रेडियस क्या है आर, एज शोन इन द फिगर। रेडियस दे रखी है आर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। हमें यहाँ की वेलोसिटी बतानी है जब ये क्या है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना लेती है। ओके तो इस केस में यहाँ की ये मान लिया हमने पोजिशन, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली है पॉइंट मान लिया बी। ओके तो इस केस में इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आ जाएगा और एक इधर। तो यहाँ पे बोल है ये वाली क्या है हमारे पास आ रही है, तो इस केस में ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा आर कोस 60 डिग्री यानी कि आर बाय टू। तो ये वाली आर बाय टू होगी क्योंकि पूरी क्या हमारे पास आर है, तो यहां से यहां तक क्या होगी आर बाय टू। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास आर बाय टू। तो मैकेनिकल एनर्जी इसको यहाँ को क्या मान लिया हमने रेफरेंस मान लिया, तो मैकेनिकल एनर्जी ए कितनी हो जाएगी हमारे पास एम जी आर प्लस जीरो, और मैकेनिकल एनर्जी बी कितनी हो जाएगी बी पोजिशन पे हाफ एम वी बी का स्केयर प्लस एम जी आर बाय में टू, बिकॉज इसके यहाँ तक के ही इसने इतना ही क्या बनाया 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया आर बाय टू। तो ऊपर वाले भी क्या हो जाएगी आर बाय टू, तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे एम जी आर इक्वल टू क्या हो गया हाफ एम VB का स्केयर प्लस एम जी आर बाय में टू। ओके एम से एम क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो टू से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा VB का स्केयर प्लस जी आर। ओके तो VB का स्केयर इक्वल टू क्या हो गया टू जी आर माइनस जी आर, यानी कि VB का स्केयर इक्वल टू क्या आ गया जी आर। तो VB इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट जी आर। तो दैट इज द आंसर।